अच्छी पहले याद आया, पता है आज अली का रिजल्ट आया है, वो पास हो गया है, पास हो गया, मैं बहुत खुश हूँ, पास हो गया हमारा बेटा, सिर्फ पास, हाँ पास हो गया, सिर्फ पास। अरे हमारे हमसाये में रुस्तम के बेटे ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और हमारा बेटा सिर्फ पास, ना सेकंड, ना फर्स्ट, ना थर्ड, सिर्फ पास। अरे हमारे बेटे ने कौन सा तीर मारा है जो तुम इतने खुश हो रहे हो, बताओ मुझे। अरे खुदा का शुक्र करें, नंबर्स भी आए, पास भी हो गए, और क्या चाहिए आपको। जिस हिसाब से मैंने उसके लिए मेहनत की है ना, उस हिसाब से उसे फर्स्ट पोजीशन हासिल करना चाहिए था। मेहनत आपने की है तो फर्स्ट भी आपको लाना चाहिए था। मुझे याद है आपके प्रमोट होने के बाद पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी दी गई थी। हमारे जमाने में यही बहुत थी, बिजली जैसी न्यामत नहीं थी, अब कौन सी बिजली आती है, हर तरफ तार ही तार नजर आते हैं, हजरत बिजली शरीफ ने नहीं मालूम का पानी। आप ऐसे खामोश क्यों, आप तो ऐसे बोल रहे जैसे स्कर्दू रोशनी से डगमगा रहे हो और आप भी बाकी अवामुन्नास की तरह चुप हो, मुंह पे ताला लगा हुआ है। ओहो रोशनी, खुदा के लिए चुप हो जाओ, रोशनी तो कब की चुप है। अच्छा तुम हमारे बेटे के बारे में कुछ कह रही थी ना। हाँ वो बाजार से आते वक्त ना मिठाई लेके आना ताकि रिश्तेदारों और हमसायों में बांटूं उसे, ठीक है। ठीक है, और जी सुनिए, वो ना आते वक्त ना गोश्त भी लेके आना, ठीक है, बच्चे की कामयाबी की खुशी में गोश्त भी पकेगा, ठीक है। और कुछ? और कुछ नहीं बस। बस दोस्तों के साथ खेल रहा था। अच्छा सुनो, तुम्हारे अब्बा ना बाजार मिठाई लेने गए हुए, जाके जल्दी तैयार हो जाना, फिर हम नानू के घर जाएंगे, ठीक है। और हाँ वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे, तुम्हें इनाम भी मिलेंगे, ठीक है। ये मैं भी जाती हूँ। अजीब है यार, ये लोग पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं। आजकल सुजुकी में सवारी कौन करता है, आजकल तो बाइकें वालों का राज है स्कर्दू में, और सबके पास अपनी अपनी गाड़ी भी तो है, पता नहीं यार। आगे लाना अकल। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भाई साहब गोश्त कितने का है? आपको कितना चाहिए? 3-4 किलो। 3 किलो कितना है? वैसे आजकल मुर्गी का कीमत 3 किलो 600 रुपए है। 600 रुपए? जी। अरे छोड़े भाई साहब, मैं जा रहा था तो सोचा कि पूछ के जाऊँ। बहुत शुक्रिया आपका, फिर कभी जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भाई साहब दाल कितने हैं? आपको कौन सी दाल चाहिए भाई साहब? हाँ सबसे सस्ती वाली दाल कौन? सबसे सस्ती वाली तो दाल चना है, चाहिए आपको? जी वो आधा किलो कर दे इसमें से काटे। अरे भाई ये तो सिर्फ 100 रुपए, आप मुझे मजीद 80 रुपए दे। आजकल दाल चना भी 180 में आधा किलो आते हैं। मजीद 80 रुपए? अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्या जमाना है। 50 रुपए बस इतना है भाई साहब? ये बहुत शुक्रिया, बेचारे गरीब कहाँ से लाएंगे इतने पैसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? मैं भी ठीक, और आप सुनाए? बस अभी तक तो ठीक हूँ। वैसे रिहान भाई गुलाब जामुन 1 किलो कर दें। अच्छा ठीक है, लेकिन खैर तो है, क्या बात है, किस खुशी में लेकर जा रहे हैं आप? हाँ यार वो बेटा पास हुआ है तो इसी खुशी में सोचा। अच्छा पास हुआ है, बहुत बहुत सिर्फ पास है, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे रिहान भाई किलो कितने का है? किलो 700 की है। 700 की? अच्छा तो छोड़े, फिर कभी, बहुत शुक्रिया आपका। अरे यार पैसे की बात है, इसकी फिक्र ही मत करो, ये लेकर जाओ, मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। नहीं यार मुझे उधार रखना अच्छा नहीं लगता। ओहो यार मैं कौन सा गैर हूँ, लेकर जाओ, तुम्हारा जब भी दिल चाहे मुझे वापस कर देना।
अब बहुत शुक्रिया, ऐसा नहीं है रिहान भाई के जेब में पैसे खत्म है यार, इतनी महंगाई जो हो गई है, नहीं गुजर औकात मुश्किल हो गई है, नहीं मालूम बेचारे गरीब कहाँ से ला रहे होंगे। हाँ यार, महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हम दुकानदार हजरात खुद इस महंगाई से बहुत परेशान हैं, ग्राहक आते हैं कीमत पूछ कर वापिस चले जाते हैं। ये तो तुमने सही कहा, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अच्छा टाइम भी हो रहा है, अम्मी के यहाँ भी जाने हैं, पता नहीं रास्ते में जिससे भी मिले खैर के लिए पूछ रहे थे, पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। कहाँ गोश कहाँ है किस्मत करो दाल पे गुजारा, चीजें बड़ी है महंगी, होता नहीं गुजारा, चीजें बड़ी है महंगी, होता नहीं गुजारा, देकर हमें दिलासा बढ़ाने कहे इरादा, देकर हमें दिलासा बढ़ाने कहे इरादा, कीमत में हम यारो, कीमत में हम यारो, हर वक्त है खसारा, चीजें बड़ी है महंगी, होता नहीं गुजारा, चीजें बड़ी है महंगी, होता नहीं गुजारा, चीजें बड़ी है महंगी, होता नहीं गुजारा, जीने में भी खसारा, मरने में भी खसारा, जीने में भी खसारा, मरने में भी खसारा, जीने में भी खसारा, मरने में भी खसारा। तो गोश्त लाने का कहा था, ये लो दाल, बिजली के बगैर रहना सीख गई हो तो अब से गोश्त के बगैर भी रहना सीख लो, शुक्र करो दाल तो मिल गई है, और स्कर्दू वालों में एक यही मोहब्बत बाकी रह गई है कि लोग उतार देते हैं, इसलिए मिठाई भी लेकर आया हूँ। एक बात मेरी समझ में नहीं है, वो क्या, बाजार में दुकान के शीशे पे लिखा होता है कि उधार मोहब्बत की कैंची है, फिर भी आपके दोस्त ने आपको उधार दे दिया। अब तुम ज्यादा मत सोचो, ये जाके किचन में रखो और तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे यहाँ जाके मिठाई देकर आते हैं, ठीक है? अली बेटा देखो तुम्हारे अपा मिठाई लेके आए हैं, जल्दी तैयार हो जाओ, फिर हम नानू के घर जाएंगे, ठीक है? ठीक है मम्मा। अच्छा चल जाओ। मैं अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे, आपके पेड़ों के जोड़ों में जोड़ के दर्द ठीक है? ये ले अम्मा, मुँह मीठा कर ले। किस खुशी में लाए हो बेटा? बेटा अम्मी आप मुँह तो मीठा कर ले पहले। अम्मा अम्मी अली इम्तिहान में पास हो गया है,
ओहो माशाल्लाह बहुत खूब, इनाम का हकदार है। मगर अमजद तुम खुश नहीं लग रहे, तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी जान, मगर मगर क्या अमजद भाई? मगर ये कि मेरे दोस्त के बेटे ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और मेरा ये बेटा सिर्फ पास। अरे अमजद भाई अल्लाह का शुक्र अदा करे, अली के इतने अच्छे परसेंटेज तो है, ज़रूरी थोड़ी है कि बच्चा फर्स्ट ही आए। वैसे भी आजकल बिजली का भी तो इतना मसला है और नाकामी कामयाबी की कुंजी भी है। ये तो ठीक है, हमारे दौर में बिजली नहीं थी, अब बिजली है मगर रोशनी नहीं। ऐसे में बच्चे जहनी तनाव का शिकार हो जाते हैं, मगर इन बच्चों की हिम्मत है। इधर आओ बेटा, ये लो तुम्हारा इनाम, जाओ खुश रहो। अब हम चलते हैं अम्मी जान, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं रुको ना बेटा, चाय पी के जाते हैं। नहीं बहुत शुक्रिया अम्मी जान, हमने बाइक पे यहाँ भी जाके मिठाई देना है। अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बच्चे का बेहतरीन मुस्तकबिल जरूर बनाए, मगर बच्चे के जहन में ये मत डाले कि पोजीशन आना लाजमी है। बच्चे को फोर्स मत करें कि आपने डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। आप बच्चे का शौक देखें, नाकामी हो या कामयाबी, आप उन दोनों सूरतों में आप उनकी हौसला अफजाई करें। शुक्रिया। और सर अकबरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये हंसी मजाक वाली स्टोरी लिख दिया जो हमने परफॉर्म